यकीन मनो। तो मेरे मन ने कहा कि आ फिल्म वेखनी है, क्योंकि मैं तुम दसना चाहना मैं भी अपने कॉलेज टाइम थिएटर नाल जुड़िया रहा, थिएटर किया 7-8 साल, इस करके मैं मतलब परमात्मा वालों भी मैंने ये होया कि मैं फिल्म वेखनी है। तुम जी बैंडेड क्वीन की गल की उसके भी एक औरत जुल्मां की कहानी सी, इस फिल्म के भी कुड़ियों के नाल जुल्मां की कहानी है, सो फिल्म देख रहे हो तो किवें दा लग रहा है? जो उम्मीदा लेके आए थे वो खरिया दे उतरी है? उसके हाँ उतर रही है जी, खरिया दे मेरी उम्मीद तो वध ही खरिया दे उतर रही है। जिहड़ा पंजाबी फिल्मां दा माहौल चल रहा मौजूदा, उहदे विच इहो जी फिल्म बनाउणा, फिल्म मेकरस ने भी बड़ा हौसले का काम किया, बड़ा वधाई दे हकदार ने, उन्होंने मतलब एक लीक तो हट के बड़ी सोहनी फिल्म बनाई है और मेरी उम्मीद तो भी वधिया। मैम किवें लगी चिड़िया? वेरी नाइस स्टोरी लाइन। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਫੀਮੇਲਸ ਬਾਰੇ? 100% ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੂਵੀ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਅੱਛੀ ਜੀ। ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੱਬਾ? ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਵੀ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਆਨੈਸਟ, ਇਟਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰეკਮੈਂਡ ਇਟ ਆਲ ਦਿ ਗਰਲਸ ਸ਼ੁੱਡ ਵਾਚ ਇਟ ਐਨੀ ਏਜ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਹਮ क्योंकि एक्शन करते भी देखा पंजाबी फिल्म में, सो हाउ वाज दैट? सो देयर आर टू मेन लीड एक्टर्स इन दिस मूवी, बेसिकली देयर आर फोर। मैं तो जी 5 स्टार जो 5 स्टार दवांगा इस फिल्म नो, किते भी फिल्म ने बोर नहीं होण दिता, ते स्टोरी वजो भी फिल्म बहुत वधिया है, ते 100 चो 100 नंबर है फिल्म। जे असी पंजाबी फिल्मां नु खणाउंदे सी किते ना किते ये लगदा सीगा कि हासे वाली फिल्म होएगी, कॉमेडी होएगी, तो यह किते ना किते सुनेहा देण विच फिल्म कामयाब हुई है, ते वाकई चिड़िया का चंबा ही है। सत श्री अकाल, हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं हाँ शेखर राय। सो 13 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे हूँ रिलीज़ हो रही है फिल्म चिड़िया का चंबा। सो तुसी पोस्टर देख सकते हो, बहुत ही एनर्जेटिक और डिफरेंट कॉन्सैप्ट लग रहा फिल्म का, और इस दे विच कोई शक भी नहीं है क्योंकि चिड़िया का चंबा जो इसका ट्रेलर रिलीज़ होया तो उदो ही क्लीयर हो गई सी गल कि फिल्म बाकी दी फिल्मों नालों वख होने वाली है। हुण तां इह लाइन कहिंदे होए असीं सोचते हैं कि हर वार हर ऑडियंस सोचती होएगी कि हर बार कहा जाता है कि पंजाबी फिल्म ये किसी नालों वक्री है, बई की करिए, पंजाबी सिनेमा दिन ब दिन तरक्की इदा दी कर रहा है, जदों भी कोई नवीं फिल्म आती है तो कुछ नवं लैके आती है, उस तरीके दे नाल चिड़िया का चंबा भी एक नवं एंटरटेनमेंट पैकेज तुहाडे लई लैके आ रही है, और एंटरटेनमेंट पैकेज के नाल नाल जिवें कि पंजाबी सिनेमा की खूबसूरती है कि इस सिनेमा दे विच सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, सिखाण दीआं भी कई गल्लां शामिल हुंदीआं ने। सो जिंदगी दे विच कुछ इदां दे किदां दे कुछ हादसे हो जाते हैं, इदां दीआं वारदातां हो जांदीआं ने कि जो लाइफ नूं बदल के रख दिंदीआं, खास तौर दे उत्ते अगर फीमेल्स की गल की जाए तो बहुत थावां दे उत्ते उहनां दे नाल अजिहा धक्का हो जांदा है जिसनों के असी ये कह सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी दे विचो चाह के भी भुल नहीं पाँदियाँ, अपनी सोच तो उसनों परे नहीं कर पाँदियाँ, सो उस दे नाल लाइफ जिहड़ी बदल जाती है। सो उस तरीके नाल ये जिहड़ियां तुसी लड़कियां इस दे विच देख रहे हो, इन्हां दी लाइफ दे विच भी कुछ इदां दा कुछ होया, उस तो बाद दी एक कहानी है किवें जिहड़ा इस फिल्म दे विच देखण नूं मिलेगा कि किस तरीके दे नाल ये एक वूमन एम्पावरमेंट नूं लैके और अपने हक सच की लड़ाई में लड़दियां ने। सो ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिल्म है, एक फैमिली एंटरटेनमेंट है, फैमिली के नाल जाके देखनी चाहिए, और सोशल अवेयरनैस भी है और बहुत चंगा मैसेज है। सो ज़्यादा समा नहीं लूँगा, फिल्म बारे मैं काफ़ी कुछ बोल चुकिया, हूँ मैं चाहाँगा कि आप अज के इस प्रीमियर नूं तुहाडे रूबरू करिए और जिहड़ी फिल्म की स्टारकास्ट है उन्होंने तुसीं जाणो कि वह इस फिल्म बारे की सोचते हैं, उन्होंने तजर्बा इस फिल्म के नाल किदां दा रहा है, और वो की दर्शकों के सामने एक उम्मीद लैके इस फिल्म नूं लैके आए थे। सो आओ फिर शुरू कर दें। हाँ जी, असी बहुत ज़्यादा मेहनत की है सारे ने, बिकॉज जिदा तुम ट्रेलर से पता लगे होगा कि किन्नी ज़्यादा सारे ने मेहनत की है। फर्स्ट टाइम एक तो फीमेल एक्शन मूवी आ रही है, तो सारी डबल मेहनत लगी है पहली बार, से एक तो डिफरेंट कंटेंट है क्योंकि इदा का फीमेल ओरिएंटल कंटेंट मैनू नहीं लगता पहला कभी आया है, और मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा है ये, तो मैं लगता फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, ऑडियंस को बहुत ज़्यादा वधिया लगेगा, और साडा मीडिया परसनली एक तो हुंदा सी प्रमोशन भी करदे, बट परसनली साडा मीडिया सानू बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, वो अपने तौर पर बहुत ज़्यादा ट्रेलर को शेयर कर रहा है, जिहड़ी कि साडे लई बहुत वधिया गल है। काफ़ी विशा बिल्कुल हट गए जी, एक्चुअली फिल्म चार कुड़ियों की कहानी है, उन्होंने सारी स्टोरी चल रही है, क्योंकि साडा चिड़ियां दा चंबा वे बावल सुण जाना है, एक बहुत एक लोक गीत भी है, पर वो चिड़ियाँ किवें शेर बन के टुट के पैंदियां ने उन्हां लोकां नूं जिहड़े अज भी बहुत गलत निगाह दे नाल कुड़ियां नूं देखदे ने, वो इस फिल्म च देखण नूं मिलेगा कि एक फीमेल की ताकत की है,
वो किमें वो लड़ सकती है जो अपने आप पर आ जाए यह तुम फिल्म देखनी है। मैं इस चीज़ की बहुत खुशी है क्योंकि मैं खुद इस चीज़ महसूस करता हूँ क्योंकि आप गल करते हूँ भी साउथ दियाँ ये वो अपना सिनेमा कदों ग्रो करूगा तो मैं लगता इदा दिल्मा जो बनगिया एक्सपैरीमेंट कर जिमें प्रेम भाई का मैं जिंदगी जिंदाबाद उन्होंने काम किया चिड़िया जंबा इन दिया भी उन्होंने जोड़ा है जॉनर है इदा ट्रीटमेंट वाला जो बहुत क्रिएटिव भाई मतलब है वो चीज़ा इदा के सबजैक्ट आने तो मैं लगता अपना सिनेमा डेफिनेटली ग्रो करूगी एक्सपैरीमेंट हो रहे हैं उही कॉमेडिया मसले तो हट के अपना मैं लगता आप होर लिफ्ट कर रहे हैं अपने इदा के एक्सपैरीमेंट इदा सबजैक्ट लैके। हैलो भाजी सत श्रीकाल जी, मेरा नाम गुरमोह है, मैं फिल्म का म्यूजिक किया है जी। गुरनाम भाई ने गाया, अफसाना जी ने गाया, हरमन भाई ने लिखा, उदय प्रताप जी ने लिखा तो गाने कीते तो फिल्म लैके असं बहुत एक्साइटेड हाँ तो मतलब काफ़ी एक्साइटेड हाँ क्योंकि डिफरेंट कंसैप्ट है फिल्म की स्टोरी तो मैं पता है बट हूँ देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट हुई है सारा मतलब रियली बहुत पॉजिटिव फील है। थैंक यू। बस एक्साइटेड हाँ जी, थोड़ा बहुत प्यार मिले, थोड़ा बहुत साथ मिले, असी जिन्ना जोर ला सकते से असी लाया मूवी की मेकिंग भी उसकी मार्केटिंग दे विच भी ते हुण कल नूं मूवी रिलीज़ हो रही है तुहाडे सारयां दे सामने हुण थोड़ी देर दे विच आ जाएगी स्रोतियां दे सामने कल सवेर तो आ जाएगी। उम्मीद करदा उहनूं भरवां हुंगारा मिलेगा ते आपदा प्यार इदां ही वधांदे रहो ते इदां ही सानूं प्यार करदे रहो। थैंक यू सो मच। हाँ चिड़िया चंबा एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, वक्री फिल्म है जी और वूमेन ओरिएंटेड फिल्म है ये। उम्मीद करता कि तुम्हें पसंद आऊगी, फिल्म जरूर देखो, तुम्हें असल फिल्म निराश नहीं होंगे क्योंकि वक्रा कंसैप्ट और एक्चुअल दे विच जिन्हों कह सकते सिनेमा ये सिनेमा पेश करूंगी। सत श्री अकाल जी सारे, मैं प्रभ गरेवाल, आज साड़ी मूवी का प्रीमियर हो रहा थोड़ी नेट की सपोर्ट की बहुत नीड है सानू एंड कल साड़ी मूवी रिलीज़ हो रही है 13 तरीक न चिड़िया का चंबा, सपोर्ट जरूर कर रहे हो, थोड़ी सपोर्ट की बहुत लोड़ है सानू ते जिदा तुसीं मेरे सॉरी जिदा तुसीं ऑलवेज मेरे प्रोजेक्ट्स में प्यार दिता तो मैं होप करती हूँ कि तुसीं इहनूं भी इदां ही प्यार दोगे। थैंक यू सो मच। मैनू तो ऑलवेज इदा हों कि जो मेरी नवी कोई भी प्रोजेक्ट न्यू रिलीज़ हों तो मैं उन्नी एक्साइटमेंट होंगी तो उन्नी मैं नर्वस होंगी हाँ तो मैंने लगता है जरूरी है एक्साइटमेंट भी उन्नी होनी चाहिए तो नर्वसनैस भी। थैंक यू। बहुत सारे ने मतलब सारे बंदे बहुत वधिया रिस्पोंस दे रहे ने, एक नवा सिनेमा सिरजन की कोशिश की है प्रेम सिंह सिद्धू सर ने, उत्तों डिंपल मैम ने ते अभय सर ने मतलब कि एक बहुत ही उपराला किया है मतलब शुरुआत की एक नवे सिनेमे की, तो मैं तो सारे दर्शकों जो भी देख रहे हैं जो आए ने उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं चाहना भी कल तो अपनी फिल्म लग रही है चिड़िया का चंबा तो जरूर देख जाए। एक मैं कह भी एक बहुत ही पंजाबी टच की परिवारक फिल्म आ ते भाई दा अपने दा हीरो आ जिहड़े शिवजोत उन्हां दा डेब्यू मूवी है ये ते एक तरह नाल बहुत ही जे आपां कहांगे जिहड़ा अपना डे टू डे रूटीन पंजाबी सभ्याचार जो चलदा गा जो कुड़ियां नाल अजकल हुंदा गा वो सारे ते टच करदी हैगी। एक साढ़े नाल जे आपां कह लईए एक तरह नाल परिवारक ही फिल्म आ भाई प्रेम सिद्धू उन्हां नाल असीं पहलां भी बहुत काम किया, भाई दीप दी भी साड़ी फिल्म भाई ने जिवें जोरा च वो असिस्टेंट डायरैक्टर सीगे गिल साहब नाल, फिर एक साड़ी आने वाली देसी भी सी भाई दीप नाल ते उन्हां दी फुल फ्लैश्ड एज अ डायरैक्टर मूवी आ उन्हां लई भी बेस्ट ऑफ लक आ ते सारी टीम नूं मैं बेस्ट ऑफ लक कहना भी ये जिहड़ी उन्हां दी मूवी आ। ट्रेलर जदों असीं रिलीज़ किया एक्चुअली ट्रेलर नूं बहुत लोगों ने प्यार दिता आ, असी बहुत सोहने तरीके दे नाल मतलब अपना कॉन्सैप्ट लैके आ रहे हैं जो पंजाबी इंडस्ट्री में मैं लगता है कितने होर लैके जाता है बिकॉज डिफरेंट कॉन्सैप्ट हरेक कोई रिस्क नहीं लैंदा। सो साडे प्रोड्यूसर डिंपल मैम ते डिंपल खरौड़ मैम ते अभय सर जी का मैं शुक्रिया करना चाहती हाँ कि इतना डिफरेंट कॉन्सैप्ट वो लैके आ रहे हैं जिदे नाल पंजाबी सिनेमा च थोड़े चेंजेस आने और आ भी रहे। आई एम सो हैप्पी
एंड आई एम सो थैंकफुल टू प्रेम सर, प्रेम सिंह सिद्धू जी साडे डायरेक्टर. साडे प्रेम सर दी मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ, बिकॉज यही करता धरता ने साडी मूवी दे, मतलब ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप. सो प्रेम सर प्लीज. हाँ जी, सारे सत श्रीकाल. पेपर दे ले, रिजल्ट आ गया. हाँ जी हाँ, रिजल्ट तुसी लिखना सारे ने, असी पेपर लिखता जी. तो मैं इस मौके पर बहुत बहुत दिलों धन्यवाद करना चाहूँगा क्राउड फिल्म ते फ्रूट चाट एंटरटेनमेंट का, ते स्पेशली मेरे भाभी जी, मेरी भैन डिंपल खरौड मैम का, है ना. सो यह सारा कुछ जिहड़े आपां इत्थे अज जुड़े हाँ, जो इस प्रोजेक्ट नूं इत्थों तक असीं खिच के लैके आए, सो यह सारा कुछ उस एक लेडी दी बदौलत, डिंपल खरौड मैम की बदौलत सारा कुछ होया. ते बाकी सारी टीम ने मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के मेहनत की है, मैं कल्ला कुछ नहीं सी कर सकता. मेरे नाल जिहड़ी मेरी टीम है, जिवें सिमर गिल हो गए, गुरकीर्तन हो गए, अभयदीप गुत्ती बाई जी हो गए, सो सारी टीम ने रल मिल के मेहनत की. सो अज सारा कुछ तुहाडे सामने लोगों की कचहरी च आ गया, और स्पैशली मैं कहना चाहूँगा मेरिया चार चिड़िया बारे. सो नेहा पवार, महनाज मान, शरण कौर, अमेरा दस्तूर, सो इन्हां ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इन्हां नूं इन्ना ज़्यादा असी मिट्टी दे विच लटाया, है ना. सो मतलब कि टोटली जिहड़े जोन दे विच इह रहिंदे ने, टोटली उस जोन चों बाहर कढ के इन्ने औखे हो के असी शूट किया. सो पर इन्हां ने एक साडा 18-18 घंटे भी शूट चलिया, सो इन्हां ने एक मिनट वास्ते भी मत्थे ते शिकन नहीं लैके आंदी. सो उहदा रिजल्ट अज साडे सब दे सामने आ रहा है. सॉरी कि मैं लेट हूँ, इनके वजह से था. आप विशाल जी को डांटो. हाँ ना विशाल जी, लेट होने का चेहरा नहीं होता है. थैंक यू सो मच. आप कैसे हैं? आप तो सॉरी सॉरी, मैं तो थैंक यू सो मच. हाँ जी, और कुछ? हमारा कैसा फील है? हाँ बहुत, नहीं नहीं बहुत बटरफ्लाइज है, क्योंकि ये फिल्म थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए. मतलब सेकंड है पर पहली एक्शन फिल्म है, और मैं जानती हूँ आप सब लाइक मतलब बहुत पसंद. आप लोग देखने वाले हैं ना? है हाँ या ना? कुछ तो बोल. हाँ सर जी, आपने इनवाइट नहीं किया विशाल जी? अच्छा, तो आई एम सॉरी पर्सनली. आई होप कि आप लोग सब फिल्म को पसंद करते हैं. हाय सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन. विशाल जी बहुत बहुत रंग बिरंगे लग रहे हैं. आप देख सकते हैं, मैंने फैशन एडवाइस दिया सर जी को, सॉरी मैंने फैशन एडवाइस दिया सर जी को, और अच्छा लग रहा है ना कि नहीं? अरे सॉरी सर, सर जी अभी तो मैं इतनी नर्वस हूँ कि मैं नॉर्मली कर नहीं कर सकती हूँ, तो पंजाबी पता नहीं निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो आई एम रियली सॉरी. बहुत वधिया यार, सारे नूं सत श्रीकाल. ते बहुत वधिया फिल्म देखण आए आपां सारे. ये मेरा भरा है, इन्हें बनाई है फिल्म, ते मैं अपने प्रीमियर जिन्ने नर्वस हाँ अज उन्ना ही खुश हाँ अज, ते अज असीं कुछ ना कुछ बहुत वधिया देखांगे अंदर. ये वो बंदा जिहड़ा एक एक गल जदों भी मैं कुछ इंडस्ट्री तो राय लैनी होंदी, ट्रेलर कट्टिया सी, टीजर कट्टिया सी, सब ना पहले मैंने इस क्रिटिक दे रिव्यू चाहिए होंगे ने, फिर वो कॉल एक घंटे की होंगी. हाँ ठीक सर. हाँ ट्रेलर आया, मैं फोन किया भाई दसा नहीं, कहें यार एक घंटा लगना, मैं आराम ना देने ना गल कर, फिर बड़ी डिटेल दे विच डाइसेक्शन करके दस दिया. अमित भाई ने मैंने हमेशा बहुत साथ दिता, हाँ मेरा छोटा भरा निर्माण, इन्हों तो मैं मतलब हक नाल कुछ भी कह सकता, तो अज ये आए हैं जमा ही, मैं ऐसा लग रहा बाह आ गई मेरी. ये बॉम्बे तो आए हैं. आई एम वेरी हैप्पी कि भाजी ने एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट चूज कर रहा है, एंड इज प्रोड्यूसिंग अ माइंड ब्लोइंग सब्जेक्ट. आई एम होपिंग कि बहुत ज्यादा मेन प्रोड्यूसर होना बहुत करेगा. मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, मेन प्रोड्यूसर आए ने जी, शी इज माय वाइफ. एक को प्रोड्यूस कर रहे हैं मूवी नु अबाबी एक बार. सत श्री अकाल सारे नु. सारी टीम का एक और मेंबर एक फिल्मी करियर शुरुआत की है, तो सानू बहुत खुशी है, तो नाल ही भरा साडा एक्टर ते नाल ही साडा भरा प्रोड्यूसर हैगा, ते उदों खुशी की हो सकती है कि असी कामयाबी लई परमात्मा नूं ओह करदे हां कि सारां नूं इह फिल्म पसंद आऊगी. बहुत चंगी फिल्म बनाई हैगी, एक खास मुद्दे उत्ते फिल्म बनी है, चिड़ियां दा चंबा. तुसीं भी सारे जरूर जाके देख के आओ चिड़ियां दा चंबा. थैंक
ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਡੈਬਿਊ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਿਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ पंजाबी फिल्म चिड़िया का चंबा रिलीज़ हो चुकी है और दर्शक जिहड़े ने वह देख के बड़े ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं बापू जी साडे नाल ने जिहड़े कि 25 साल बाद दोबारा फिल्म देखण आए 25 साल बाद बैंडेड क्वीन वेखी सी कॉलेज टाइम जी बैंडेड क्वीन तो मेरा ख्याल 25 तो भी ज़्यादा ही शायद हो गया हुण के रिलीज़ हुई सी उस टाइम तो बाद मैं अज थिएटर दे विच फिल्म वेखण आया यकीन मनो तो मेरे मन ने कहा कि आ फिल्म वेखनी है क्योंकि मैं तुम्हें दसना चाहता मैं भी अपने कॉलेज टाइम थिएटर नाल जुड़िया रहा थिएटर किया 7-8 साल इस करके मैं मतलब परमात्मा वालों भी मैं ये होया कि मैं फिल्म वेखनी है मैं माड़ा माड़ा पता लीक तो हट के मैं देखा तो सही लीक तो हट के कि जी बैंडेड क्वीन की गल की भी एक औरत जुल्मां की कहानी सी इस फिल्म के भी कुड़ियों के जुल्मां की कहानी है सो फिल्म देख रहे हो तो किवें दा लग रहा है जो उम्मीदा लेके आए थे खरिया के उतरी है उस उतर रही है जी खरिया तो मेरी उम्मीद तो वध ही खरिया के उतर रही है मैं इन्ना नहीं सी क्योंकि जिहड़ा पंजाबी फिल्मों का माहौल चल रहा मौजूदा वोदी फिल्म बना फिल्म मेकरस ने भी बड़ा हौसले का काम किया बड़ा वधाई दे हकदार ने उन्होंने मतलब एक लीक तो हट के बड़ी सोहनी फिल्म बनाई है और मेरी उम्मीद तो भी वधिया मैं सोच रहा कि पता नहीं किन्नी क फिर भी पर बहुत सोहनी फिल्म अच्छा, कई बार इदा होंगे कि जी सीरीयस विषय के फिल्म होंगे सीरीयस हो जाए ने कि फिल्म एंटरटेन भी करती है या सिर्फ एक मैसेज ये सारा कुछ है जी बंदा जुड़ जाता शुरू तो फिल्म के नाल बड़े सोहने तरीके फिल्म नू कीता गया इहदी कहानी नू हौली 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 सारे पक्षां तों लिया के शुरू तों जुड़ जांदा बंदा कि मतलब फिल्म दे नाल बहुत वधिया पंज विचों किन्ने रेट करोगे पंज विचों किन्ने स्टार दोगे पंज चों बेटा चार देखो पंज पंज दा वधिया होगा क्योंकि वो बहुत वड्डी गल है चार पंज मेरा जी करदा मैं पंज ही कहां मैं अपने वालों दिल च मैं पंज ही दे बैठा पर फिर भी कहूँगा भी चार तो 101% बनते हैं ये वास्ते फिल्म वास्ते जी मेहरबानी ओके सर ओके थैंक यू मैम किवें लगी चिड़िया वेरी नाइस स्टोरी लाइन सो फीमेल्स के लिए खास तौर पर दिखाया कि इदा के जुल्म हो जाते हैं उस तो बाद ये कहानी है सो किन्नी क उम्मीदा तो खरी उतरी जिम्मे ट्रेलर देखा सी जो फीमेल्स बारे 100% वेरी नाइस वेरी इमोशनल मूवी एंड वेरी रियलिस्टिक सेम टू सेम सेम ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛੀ ਦੀ ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਚਿੜੀਆਂ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਵੀ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਆਨੈਸਟ ਇਟਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰეკਮੈਂਡ ਇਟ ਆਲ ਦਿ ਗਰਲਸ ਸ਼ੁੱਡ ਵਾਚ ਇਟ ਬੀ ਐਨੀ ਏਜ ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਹਮ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਦੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮੇ ਸੋ ਹਾਊ ਵਾਸ ਦੈਟ So there are two main lead actors in this movie. Basically, there are four, but there are two women who have been taking precautions and actions in order to take to fight with the men's influence. So, woman empowerment की बात हो रही है जब movie को देखा तो क्या वो power feel हुई वो goosebumps feel हुए? Exactly, I would say that when I was watching women's in action, I could literally feel those goosebumps and I was like shivering at that time. This is something very brave for them to do. So how much you rate the film out of 5? I would say we cannot rate this movie to be very honest because it's based on women empowerment basically. So if you would ask me to rate it, I will not rate it, but I would say this is the best movie ever as for the entire year. So you recommend other people? I really recommend. I would want every girl to watch it. Why not? Thank you so much. Thank you. Baji, kiven di lagi chidiyan da chamba? Main ta ji 5 star to 5 star davanga is film nu. Kite vi film ne bore nahi hon ditta. ते स्टोरी वजों भी फिल्म बहुत वधिया है ते 100 चो 100 नंबर है फिल्म दे अच्छा फिल्म तो ये उम्मीद की जा रही थी क्योंकि एक वूमन एम्पावरमेंट नू पेश करती है एक वक्रे तरीके दे नाल अपने हकों की लड़ाई नू पेश करती है जे असी पंजाबी फिल्मों नू देखण आउंदे सी कितना कितने ये लगता सीगा कि हासे वाली फिल्म होएगी कॉमेडी होएगी तो यह कितना कितने सुनेहा देण विच फिल्म कामयाब हुई है तो वाकई चिड़िया का चंबा ही है शिवजोत की शुरुआत हैगी है सो शिवजोत बारे की कहोगे उन्होंने किरदार किवें दा लग्या ते बाकी लड़कियां ने किरदार किवें दे निभाए शिवजोत जी का जिहड़ा किरदार सीगा लग ही नहीं रहा सीगा कि उन्होंने कोई पहली बार ये किया जिवें पता नहीं किड्डे पुराने एक्टर ने किड्डे पुराने डायरेक्शन वजों प्रोडक्शन वजों
ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀਨ, ਅਗਲੇ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸੀਨ, ਹਰ ਸੀਨ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਚਾਹਣ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਗਰਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਸੋ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਰਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਸ਼ਰੀਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਹਰਸ਼ਰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੇਹਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅਮਾਇਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਖੂਬੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੰਜੀਵ ਸੋਲੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਮ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ ਟੋਟਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।